तो हमारे इस खास पेशकश वोट का बजट में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब हमारे साथ धीरे धीरे सरकार के बड़े चेहरे जुड़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीधे पुरुषोत्तम रूपाला जी, जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी के मंत्री हैं, और इस सेक्टर को काफी कुछ दिया गया है बजट में वित्त मंत्री जी की तरफ से। पुरुषोत्तम रूपाला जी, आप आम लोगों को जैसे समझाते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को जैसे समझाते हैं, वैसे हमारे दर्शकों को भी समझाइए कि आपके मंत्रालय में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, इनमें इसमें क्या क्या दिया गया है और इससे रूरल इकोनॉमी को कितना फायदा होगा। नमस्ते, और आपके माध्यम से मैं आपके सभी दर्शकों को भी राम राम कहना चाहूँगा। आपने ये एक बहुत अच्छी मुझे लीड दी कि जैसे मैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोगों को समझाता हूँ, इसी प्रकार से मैं आपके दर्शकों के साथ बात करूँ, इसी प्रकार से अपने लोगों के साथ ही मैं जैसे बात करता हूँ, ऐसे ही मैं आपके साथ भी बात करना चाहूँगा। तो मैं आपके माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बताना चाहूँगा कि इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने और हमारे वित्त मंत्री जी ने अमृतकाल के पहले बजट के रूप में एक बहुत ही मजबूत नींव डालने का प्रयास किया है। ये अमृतकाल का कॉन्सेप्ट जो हमारे प्रधानमंत्री जी के विजन में है, उनके दृष्टि में है, वो आप सब जानते हैं, इसलिए उसमें मैं बहुत ज़्यादा बात करना नहीं चाहूँगा। मगर ये ज़रूर कहूँगा कि शताब्दी वर्ष जब हम आज़ादी का मनाएंगे तो भारत हमारा कैसा होना चाहिए, इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इस बजट में बहुत सारी बातें हैं, मगर मैं अपने विभाग तक सीमित रहते हुए जैसे आपने बताया है वो बताना चाहूँगा कि फिशरीज सेक्टर जो है, इसको आप जानते हैं कि भारत का समुद्रीय तट 8000 किलोमीटर का है और हमारा मरीन कैच का जो एरिया है वो करीबन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर का है, और हमारे इनलैंड फिशरी का भी बहुत बड़ा रकबा है, हमारी नदियाँ, तालाब वगैरह करके। तो एक प्रकार से देखें तो इतने बड़े रकबे के कारण और इतने बड़े समुदाय को इसके साथ जुड़े रहने के बजाय इस पर पूरा तवज्जो नहीं दिया जाता था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने इस विभाग को स्वतंत्र विभाग का दर्जा दिया, और कभी कभी ये बात भी आ जाती है लोगों के मन में कि एक मंत्रालय बन जाने से क्या फर्क होता है, मगर मैं आपको एक फिगर के साथ इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। आज़ादी के बाद 2014 तक जब नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब तक फिशरीज विभाग को 3680 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ, 47 से 75, इतने सालों में सिर्फ 3680 रुपयों का करोड़ रुपयों का आवंटन हुआ। अब आप सोचिए, जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने फोकस करते हुए इस विभाग को स्वतंत्र मंत्रालय का दर्जा दिया, तो 20,000 करोड़ की एक ही योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देकर इस विभाग के कामकाज को प्रोत्साहन देने का एक बहुत बड़ा संबल दिया था। FIDF करके एक योजना फंड लगा के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट देने के लिए 10,000 करोड़ का एक अलग से फंड रचना किया गया था। तो इसी सबको मिलाते हुए 3000 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ तक का जंप इस विभाग में देने का प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग को दिया गया है, और उसी में हमारे वित्त मंत्री जी ने आज प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के साथ एक सब स्कीम लगा के 6,000 करोड़ रुपए की एक नई योजना देने का ऐलान करके इस विभाग को बहुत ही मजबूती देने के दिशा में आगे बढ़ाने का प्रावधान किया है। और इसी के चलते इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए
कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन और इनके जो कुछ गैप्स हैं उन्हीं को और मजबूत करने के लिए, उनके साथ जुड़े हुए वेंडर्स के लिए, मार्केटिंग के लिए एक बहुत बड़ा संबल देने का प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में प्रावधान किया है। ठीक है, आप पुरुषोत्तम रूपाला जी, कुछ नई स्कीम्स भी है जिसके बारे में मल्लिका एक सवाल पूछेगी। मैं आपको रोक रहा हूँ, फिलहाल एक मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मुझे एक स्टेटमेंट लेना है मल्लिकार्जुन खड़गे जी का। मल्लिका आपसे एक और सवाल पूछेगी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पर पहली प्रतिक्रिया दी है, क्या कहा है उन्होंने, उसके बाद फिर पुरुषोत्तम रूपाला जी के पास चले। बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है ये तो दो चार राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया, तो ये तो इलेक्शन स्पीच है और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए है और उनकी जो जो बातें बाहर उन्होंने कही है वैसे जुमले इस बजट में डालकर उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही, हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था कि हमने हर साल 2 करोड़ नौकरियां हमारे युवाओं को देंगे। और पुरुषोत्तम जी के साथ बातचीत को अब हम आगे बढ़ाएंगे। पुरुषोत्तम जी, मछली पालन को भी बढ़ावा दिया जाएगा, जो बजट से बात समझ में आती है वो ये कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी सुविधा भी मुहैया कराई जाएगी। क्या आपको लगता है कि जो ये कदम उठाए गए हैं इस दिशा में, इससे ग्रामीण संसाधनों का उपयोग करके अगर ग्रामीण विकास और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो क्या उन्हें तेजी से बढ़ावा मिल सकेगा? बिल्कुल आपने सही बताया कि फिशरीज सेक्टर से और एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर में जो सहायता इस बजट के जरिए मिलने वाली है उसी से निसंदेह ग्रामीण अर्थतंत्र को ही बढ़ावा मिलेगा। और आपने बहुत सही फरमाया कि इसमें क्रेडिट, जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट के लिए जो प्रावधान किया गया है, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसी समय देश के किसानों के लिए 8 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान था क्रेडिट का। अभी इसी बजट में हमारे वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि उसका दायरा बढ़ाकर उसको 20 लाख करोड़ का इंतजाम उन्होंने किया है और किसानों के साथ पशुपालकों को और मछुआरे समाज को भी इसके साथ इस इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट मिलने के लिए उसको अधिकृत किए गए हैं और वो बहुत ही एक बड़ी सहायता ग्रामीण अर्थतंत्र में ग्रामीण किसानों को, ग्रामीण मछुआरों को, ग्रामीण पशुपालकों को देने का काम हमारे वित्त मंत्री के द्वारा हुआ है। जिन लोगों को अपने छोटे छोटे कारोबार के लिए 25,000-50,000 रुपया जैसी छोटी चीज पाने के लिए भी किसी शाहूकार के पास जाना पड़ता है और बड़ी ब्याज की, सूद की वसूली का सामना करना पड़ता है, इन लोगों के लिए इस 20 लाख करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान एक बहुत बड़ा संबल देगा और ग्रामीण अर्थतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जाएगा। पुरुषोत्तम रूपाला जी, एक पॉलिटिकल रिएक्शन चाहूंगा। अभी अभी खड़गे जी का हमने स्टेटमेंट दिखाया, उन्होंने कहा चुनाव से प्रभावित है और उनके जो दो हमेशा मुद्दे रहते हैं जो राहुल गांधी ने उठाए थे, ये कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि महंगाई और बेरोजगारी, इस पर इस बजट में ध्यान नहीं दिया गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के और खड़गे जी के खासतौर पर इस बयान में कि ये 4 राज्यों के चुनाव से प्रभावित है जो आने वाले हैं? मैं खड़गे जी एक बहुत ही सीनियर राजकर्ता, राजनेता है
वो बोल रहे हैं कि ये चुनावी भाषण था, वो जो बाहर बोल रहे थे वो इसी बजट में बोल दिया गया है। मैं सिर्फ इनको आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप क्या कह सकोगे कि 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में 2,20,000 करोड़ रुपये डेबिट हो चुके हैं, आप इसको क्या जुमला कहोगे? वो इसी सरकार के बजटों के माध्यम से गए हैं। पूरे देश में गुड गवर्नेंस जो देश के विकास की और देश के इन्फ्लेशन की कहे या किसी भी समस्या का सबसे बड़ा शत्रु था, ये भ्रष्टाचार था। 27,00,000 करोड़ रुपये आपके दर्शकों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बेनिफिशरीजों के अकाउंट के अंदर बिना किसी बिचौलियों को हस्तक्षेप करे हुए बगैर पहुंचा देने का काम किया है। करोड़ों लोगों को आज रोजगार देने के लिए मेरा तो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि अभी हमारे वित्त मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा किया है कि हम वेस्ट से वेल्थ को बनाने के नए 500 सेंटर खोलेंगे, जहां गोबर में से बायोगैस बनेगा उसके सेंटर बनाए जाएंगे। उसमें से 75 सेंटर अर्बन एरिया के लिए भी चुने गए हैं, 300 सेंटर कम्युनिटी वाइज बनाने वाले हैं। इससे हमारे बायो वेस्ट का, गोबर का भी इकोनॉमी नया शुरू होने वाला है। मैं आपसे माध्यम से बताना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बातें जब होती हैं तो हम यही बात बताते रहे अभी तक कि हम दूध उत्पादन में नंबर वन हैं और दूध की आय के फिगर्स हम देते रहते हैं, मगर आगामी दिन अभी दूर नहीं है कि अब गोबर की आय भी उन ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों के अकाउंट में जाना शुरू करने वाला ये बजट है। अमृत काल का बहुत ही अच्छा बजट हमारे वित्त। बहुत बहुत शुक्रिया पुरुषोत्तम रूपाला जी हमसे बात करने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हमारे साथ साझा करने के लिए, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर रिएक्शन देने के लिए कि जो पैसा लोगों के खाते में पहुंच गया है वो कोई जुमला तो है नहीं।